नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ट्विटर ट्रेंड। ट्विटर ट्रेंड जिसमें हम बात करते हैं उस ट्रेंड की जिस पर देश भर से लोग किसी एक मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। आज जो ट्रेंड ट्विटर पर देखने को मिल रहा है वो है हेलीकॉप्टर सौदे में हुए घोटाले के ऊपर। आज ट्विटर पर VVIP बोफोर्स 2 के नाम से ट्रेंड चलाया गया है जिस पर लोग अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्विटर पर इस ट्रेंड का कारण क्या है। रक्षा सौदों में घोटालों की फेहरिस्त में एक और नया घोटाला जुड़ गया है। VVIP हेलीकॉप्टर सौदे में घोटाले की बात सामने आने के बाद UPA सरकार की चौतरफा किरकिरी हो रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये मामला बोफोर्स जैसा है, जब रिश्वत देने वाले को पकड़ लिया गया लेकिन रिश्वत पाने वाले की पहचान नहीं की गई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार कब तक रिश्वत लेने वालों को बचाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के अति विशिष्ट लोगों के लिए इटली से 3600 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर सौदे में 350 करोड़ रुपए की रिश्वत बांटने के आरोप हैं। इस मामले में फिन मैकेनिका कंपनी के CEO को रोम में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि भारत में इसकी जांच CBI के हवाले कर दी गई है। इटली की जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के सौदे में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष SP त्यागी को रिश्वत दी गई थी और ये रिश्वत फिन मैकेनिका कंपनी को फायदा पहुंचाने की नीयत से दी गई। त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने घूस लेकर टेंडर के नियमों में बदलाव किया था, इससे फिन मैकेनिका कंपनी को फायदा पहुंचा और उसे टेंडर मिल गया। ये सौदा करीब 3500 करोड़ रुपए का है और इसमें लगभग 350 करोड़ रुपए की दलाली खाए जाने के आरोप सामने आए हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर लोग इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों ने इस घोटाले की तुलना बोफोर्स से करते हुए इसे बोफोर्स पार्ट 2 का नाम दिया है। आइए देखते हैं कि जनता ने क्या ट्वीट किया। हेमंत लिखते हैं कि जब आप भारत की सुरक्षा पैसों के लिए बेचते हैं तो आप किसी आतंकवादी से कम नहीं हैं और आपको उचित दंड मिलना चाहिए। दरवेश अख्तर लिखते हैं कि नवीनतम चॉपर स्कैम को बोफोर्स 2 का नाम दिया गया है। बोफोर्स 2 1987 बोफोर्स का सीक्वल है, दोनों का ही उत्पादन एक ही प्रोडक्शन हाउस से हुआ है। पीयूष कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ सभी स्कैमों के साथ है, जीप से लेकर हेलीकॉप्टर तक कांग्रेस ने घोटालों की एक लंबी यात्रा तय की है। उग्र ने अपने ट्वीट में लिखा कि कमाल है, इतने सारे घोटाले उजागर हो रहे हैं लेकिन सरकार अभी तक टिकी है। गजिशा लिखते हैं कि UPA सरकार के घोटालों का भूत दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये था आज का ट्विटर ट्रेंड। हम फिर हाजिर होंगे एक नए ट्रेंड के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।